हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग आर एस अग्रवाल की किताब से क्लास 8 का जो एक्सरसाइज 2A है, इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो एक एक प्रश्न को मैं हल करूँगा। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत हो, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ एकदम सिंपल वे में, आसान भाषा में आपको मैं समझाऊँ, ताकि आपको कोई दिक्कत आगे नहीं हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, इवेल्युएट करना है, 4 पावर कितना है? -3। यहाँ 1/2 का पावर -5, 4/3 का पावर -3। ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सपोनेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, चूंकि यहाँ पर देखिए -3 लिखा हुआ है, ठीक है, 4 का पावर -3 है। आपको पता होगा कि यहाँ पर कोई भी अगर आपको नंबर दिया जाए जिसका पावर माइनस में हो, तो ये हो जाता है क्या, ये बराबर हो जाता है 1/a और पावर m हो जाता है। ठीक है, इसी जो हम फॉर्मूले का यूज़ करके यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/4 का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/4 का पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 1/4 × 1/4 × 1/4। अब 1 को 1 से गुना कीजिएगा, 1 आ जाएगा ऊपर में, 4 4 4 को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्या 1/2 है, और 1/2 है, और इसको जब अपोजिट कीजिएगा, इसका जब रेसिप्रोकल निकालिएगा, तो क्या हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 का पावर 5। कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितना हो गया, 2 2 4 2 8 2 16 2 32। ये हो गया इसका आंसर। इसका देखिए, यहाँ पर 4/3 का पावर -3 है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, पावर कितना होगा, 3, यानी कि ये हो गया 3/4 × 3/4 × 3/4। कितना हो गया, 3 3 9 3 27, और नीचे में कितना हो गया, 4 4 16 4 64। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए -3 और पावर है -4, ये रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 1/-3 पावर 4। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना ये है कि जब -3 लिखा मैंने, और यहाँ पर हमने कर दिया 1/-3, आप इसको जो 1/-3 है, आप इसको -1/3 भी लिख सकते हैं, आप इसको चाहे तो -1/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों ये और ये तीनों बराबर हुए। ठीक है, माइनस नीचे में रहे, ऊपर में रहे, या फिर इस साइड में रहे, बराबर है। क्या हो जाएगा, 1/3 × 1/3 × 1/3 कितना, 3 9 और 9 3 27 27 3 81 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 81। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 3/3 − 2 पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 3/2 × 3/-2 3/-2 3/-2 3/-2 गुना करके कितना आएगा इसमें, जब आप इसको गुना करेंगे तो गुना करके आपका आ जाएगा 3 3 9 3 27 3 81। ठीक है, और 3 2 243, और ये कितना आ जाएगा, 2 2 4 2 8 2 16 2 32। और ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस, क्योंकि 5 माइनस है ना, 1 2 3 4 5 माइनस है, तो 1 माइनस लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था एक्सरसाइज 2A का, वो मैंने बता दिया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन में क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 5/3 पावर 2, 5/3 पावर 2। तो यहाँ पर देखिए बेस भी सेम है, पावर भी सेम है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली इसको क्या करना है, 5/3 लिखना है और पावर को ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/3 पर पावर 4। कितना हो जाएगा, 5/3 × 5/3 × 5/3 × 5/3 गुना करेंगे तो आ जाएगा 25 पंचे 125,
पच्चीस पंचे पाँचे पच्चीस पंचे 125 पंचे 625 हो गया, 625 बाई 3 3 9 3 27 दिया 81 हो गया, ये हो गया इसका आंसर। मैंने क्या यूज़ किया आपको पता है और नहीं पता है तो देख लीजिए कि अगर बेस सेम हो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखिए ए टू द पावर एम इन टू ए टू द पावर एन, जब बेस कॉमन रहेगा सेम रहेगा तो ये हो जाएगा ए और एम प्लस एन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है, यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी बेस सेम है पावर अलग है, क्या हो जाएगा 5/6, 6 प्लस माइनस 4 कितना हो जाएगा 5/6 और पावर हो जाएगा कितना हो जाएगा 6 - 4, तो क्या हो जाएगा 5/6 का पावर हो गया 2 यानी कि 5/6 इंटू 5/6 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 5 = 25, 6 6 = 36, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए 2/3 पावर को फिर से ऐड करेंगे -3 प्लस -2 कितना हो जाएगा 2/3 पावर ऐड यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया तो ये कितना हो जाएगा 2/3 पावर कितना हो गया -5, ये क्या है माइनस में आ गया तो इसको उलट दीजिए, पलट दीजिए कितना हो गया 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 कितना हो गया 3 3 9 3 27 3 81 3 243 और ये हो गया 32। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है कि जो माइनस पाँच था उसको मैंने 5 बदल दिया है, क्योंकि क्यों और 5 बदला हमने तो ये 2/3 था तो 3/2 कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका तीसरा प्रश्न था वो भी हल हो गया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 9/8 यहाँ पर क्या है 9/8 बेस है तो लिख दिया बेस को, यहाँ पर 9/8 था दोनों में तो यहाँ पर 9/8 लिख दिया, 3 - 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 9/8 और ये हो जाएगा -1, इसका आंसर हो जाएगा 8/9, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से पहला और दूसरा प्रश्न को मैंने इसमें हल कर दिया है, सॉल्व किया है। अगली वीडियो में हम लोग आगे के जो क्वेश्चंस हैं प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कुछ अगर डाउट रह गया हो, और अगर अच्छे से समझ में आया है तो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।